आज टीचर डे है, शिक्षक दिवस है, तो माता पिताओं को और विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना चाहिए कि काशी नरेश का जो पुत्र था संदीपक, घोड़े सवारी करना सीख गया था पिता के साथ और तैरना सीख गया था पिता के साथ। सब कुछ करने के बाद जब पिता काशी नरेश जाते हैं अपने गुरु के पास और कहते हैं, गुरु जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी गद्दी को देना चाहता हूँ, अपने बेटे को राज तिलक करना चाहता हूँ। शिक्षा भी उसकी हो गई है, घुड़सवारी भी आती है, तैरना भी आता है, पर गुरु ने कहा कि नहीं, अभी समय बाकी है, अभी रुक जाओ। फिर कुछ समय के बाद में वापस आता है और आके कहता है कि गुरु जी आज्ञा करिए, मुझे अपने बेटे को राज तिलक करवाना है और मुझे आपकी भक्ति, आपके संग में रह के भक्ति करनी है, कुटिया बना के। काशी नरेश कहते हैं अपने बेटे के लिए, तो गुरु कहते हैं नहीं अभी भी समय बाकी है, अभी तू थोड़ा सबर कर। और उसके बाद में तो गुरु जो होता है, गुरु ने कहा कि अभी नहीं, क्यों? क्योंकि गुरुओं की नजर कैसी होती है, बहुत दूरदर्शी होती है, उन्हें पता होता है कि क्या होने वाला है, तो इसलिए गुरु जी उसको मना कर रहे थे, है ना। अगर क्योंकि क्या होता है कि अगर यही शिक्षा जो किताबी शिक्षा है, किताबी शिक्षा सीखना, तैरना सीखना, ये सीखना, अगर उससे सब पूरा हो जाता तो फिर दूसरे बड़े देश अमेरिका, यूरोप, बाकी के देश, यूके, वो इतने वहां पर लोग इतने दुखी, इतने अशांत, इतने अनिद्रा वाले लोग नहीं होते, अकाल मृत्यु वाले लोग नहीं होते। तो क्यों? 98% लोग किताबी शिक्षाओं के से रातें ऊंघी हैं, रातें जगते रहते हैं पढ़ने के लिए, एक शिक्षा किताबी शिक्षा पढ़ने के लिए। लेकिन किताबी शिक्षाओं के साथ साथ में योग शिक्षा, आत्मिक शिक्षा भी होना बहुत जरूरी है। मानवीय संवेदनाएं विकसित करने वाला भक्ति योग का शिक्षण जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब तक जीवन में यह नहीं आया, तब तक आप अपने लिए व समाज के लिए पूर्ण हितकारी वो बच्चा, वो विद्यार्थी नहीं हो सकता जिसके जीवन में ये गुण नहीं है। तो एक दिन फिर वो राजा का बेटा, जो काशी नरेश राजा थे, उनका बेटा जब संदीपक जब घुड़सवारी करने निकला शहर की तरफ, तो रास्ते में कुछ बुजुर्गों ने रोका, बातचीत करने लगा। पीछे से एक छोटा सा बालक आया, उसने पूंछ खींची, घोड़े की पूंछ को सहलाया तो घोड़े ने लात मार दी, लात मार के गिरा दिया। तो ये संदीपक जो था, ये हंसता हुआ, मजाक करता हुआ, ठे ठे करता हुआ आगे की तरफ भर गया। बोला, देखा, घोड़े की पूंछ नहीं, लगाम खींची जाती है, तूने पूंछ खींची तो तुझे लग गई। तो ऐसा ठे ठे करता हुआ वापस आया। जब गुरु के पास ये खबर पहुंची कि काशी नरेश का बेटा ऐसे गया था और ऐसे ऐसे हुआ, एक बच्चे को ऐसे चोट लग गई, तब गुरु ने कहा काशी नरेश को बुला के कि देख, मैंने कहा था ना कि ये अभी परिपूर्ण नहीं है। राजा का कर्तव्य होता है नौकरों जैसा बिहेवियर नहीं करे, राजा जैसा करे नौकरों को कंट्रोल में करने वाला होना चाहिए, है ना। अफसर का काम रहता है कि बाकी सबको कंट्रोल में करके रखे। तो इसने क्या किया, इसने दिमाग होना इसके लिए बहुत जरूरी है, वैसा दिमाग कि कैसे ये राजा जैसा काम करे। तो राजा का कर्तव्य होता है कि वहां पर घोड़े से नीचे उतरता, उस बच्चे को संभालता, लेकिन ये तो ठेंठे करता हुआ वहां से निकल आया। तब जब ये शिक्षा दी काशी नरेश को, तो काशी नरेश को ये ज्ञात हुआ कि, तब वो गुरु के चरणों में पड़े, बोले गुरु जी आपने सही कहा। तब गुरु की आज्ञा मान के गुरु के आश्रम में भेजा बच्चे को अपने पढ़ने के लिए। तब बच्चे ने वहां पर जाकर गरीबों के साथ, जो अनाथों के साथ, उनके साथ में रहकर एक जैसा व्यवहार किया गुरु जी ने, तब वहां पर जाकर शिक्षा प्राप्त करी। वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद, भक्ति शिक्षा, योग शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसका राज तिलक किया और वो उसके बाद राजा की गद्दी पर बैठा। इसलिए मनुष्य के जीवन में दूसरे की उन्नति और दूसरे की दुख हर्ता की भावना होनी चाहिए। तो ये भावना कहाँ से आती है? ये भावना आती है जब आध्यात्मिक शिक्षा हो जीवन में, केवल पढ़ाई की शिक्षा नहीं। जैसे अभी अभी विधि माता जी ने बताया, केवल पढ़ाई की शिक्षा होगी तो क्या होगा, जहां पर मान मिलेगा वहां पर भागेगा, केवल पढ़ाई वाली शिक्षा होगी। अगर कोई नेता बन गया तो नेता बनने के बाद क्या करेगा, जहां पर अहम की पुष्टि होगी वहां पर जाएगा, लेकिन हर जगह पर नहीं जाएगा। तो आध्यात्मिक शिक्षा होगी तो जहाँ अहम मान मिले, अपमान मिले, सब जगह पर जाएगा और सबकी सुनवाई करेगा। इसलिए जीवन में कितनी भी डिग्रियां कमा ले उसका फायदा नहीं जब तक जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा नहीं। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है। हम लोग खुश नसीब हैं
देर से ही सवेर से ही हमारे जीवन में सत्संग आया, भगवान की कृपा है हमारे जीवन में, भागवतम आई हमारे जीवन में, आध्यात्मिक शिक्षा आई, भगवत गीता आई, गुरु आए, भगवान कृष्ण आए, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, है ना।